ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। रोजगार के लिए हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, शासकीय नौकरियों में रोजगार और नवंबर के महीने में ही लगभग 40,000 सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा साल भर में 1,00,000 लोगों को रोजगार देंगे। सीएम चौहान ने कहा कि केवल शासकीय नौकरी में सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए शासकीय नौकरियों के अतिरिक्त मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत हर महीने जवानों को स्वरोजगार के अवसर देंगे। सीएम चौहान ने कहा कि लगभग 3,00,000 लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा और कई योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। वहीं अलग अलग योजनाओं की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में निवेश आ रहा है, उसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रम को भी हमने जोड़ा है। आज रोजगार दिवस है, महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। रोजगार के लिए हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, एक शासकीय नौकरियों में रोजगार, तो नवंबर के महीने में ही लगभग 40,000 सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन इत्यादि निकल जाएंगे, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साल भर में 1,00,000 तक ये संख्या पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल हादसे पर कहा 2-2 लाख की राशि घोषित कर दी गई है। सभी पीड़ित परिवार जो संबल योजना में आते हैं उनको 4,00,000 की पात्रता है। आगे उन्होंने कहा 2-2 लाख मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि से भी दी जाएगी। दो दो लाख रुपए की राशि मैंने घोषित कर दिया पीड़ित परिवारों को, जो संबल योजना में आएंगे उनको 4,00,000 की पात्रता है। 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से देने का हमने फैसला किया।